भोपाल के सैफिया कॉलेज ग्राउंड पर प्रैक्टिस के दौरान पिछला टायर निकलने से एक तेज रफ्तार जिप्सी 3 बार पलटी, जिससे जिप्सी में सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसा लगता है मड रैली के शौकीन युवा मौत को दावत दे रहे हैं। सैफिया कॉलेज मैदान पर मड रैली के लिए प्रैक्टिस के दौरान राइडर के बगल वाली सीट पर बिना सीट बेल्ट बांधे बैठा मोनिश अहमद जिप्सी पलटने से नीचे दब गया, जिसके चलते उसके हाथ, पैर और पेट में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद मोनिश को तुरंत इलाज के लिए निजी अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। प्रैक्टिस के दौरान ग्राउंड का चक्कर काट रही जिप्सी की स्पीड काफी तेज थी। इस दौरान टर्न लेते समय गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी संभाल नहीं पाया और जिप्सी अनियंत्रित हो गई। उसका पिछला टायर निकल गया और जिप्सी 3 पलटी खाकर उल्टी हो गई। इन जिप्सी चालकों के कारण आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल रहता है और युवा 4 एकड़ के ग्राउंड में बिना सेफ्टी के अपनी जान जोखिम में डालते हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।